हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10th ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है और ग्रेविटेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या है? देखो, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। कहते ग्रेविटेशन जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो बॉडीज में, यूनिवर्स में। आप किसी भी दो बॉडीज को अगर आप देखें, उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आप बोलेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, किसी भी आप दो बॉडीज को कंसीडर कर ले, दो बॉडीज में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप बोलेंगे ग्रेविटेशन। आओ इसे कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि मान लीजिए जैसे आपने थ्रेड से एक स्टोन को बांधा है, ठीक है, तो उसको आप सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करेंगे। अब इस सर्कुलर पाथ में जब आप इस स्टोन को रोटेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हर एक पॉइंट पर स्पीड और डायरेक्शन जो है स्टोन की चेंज होगी। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगी जिसकी वजह से, जो चेंज इन डायरेक्शन है उसकी वजह से वेलोसिटी भी जो है वो भी चेंज होगी एवरी पॉइंट पर। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन होगी फिर। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आप एक्सेलरेशन मानते हो। मींस कि एक फोर्स जो इस स्टोन को एक्सेलरेट करेगी सर्कुलर पाथ में टुवार्ड्स द सेंटर। देखो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स जो लगेगी इस पर स्टोन पर जो कि इसको एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, और वो जो फोर्स है इसको एक्सेलरेट करेगी टुवार्ड्स द सेंटर, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब भी कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में हो तो जो फोर्स उसको रोटेट करती सर्कुलर पाथ को, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये सन, इस सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही अर्थ जो है सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व भी नहीं करेगी, वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में फिर मूव करेगी। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन और अर्थ में। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन और अर्थ में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है अर्थ को, जो कि सन के अराउंड उसको रिवॉल्व कराती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ही उन्होंने ग्रेविटेशन बोला है। ये आप किसी भी दो बॉडीज में, यूनिवर्स में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? देखो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए प्लैनेट
एंड ए बोल। ये ग्रेविटी जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी प्लैनेट और बॉडी में। ये सबसे पहले न्यूटन ने कैसे कंक्लूड निकाला, न्यूटन ने देखा एक एप्पल के ट्री से एप्पल जो है वो नीचे की तरफ ही गिरा, वो ऊपर की तरफ नहीं गिरा। तो उसने देखा कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो एप्पल को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है जो एप्पल को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसको उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी भी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हो, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? देखो, जब बॉडी मोशन में हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ हमारी हर बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है जिसको आप ग्रेविटी बोलते हो, जब बॉडी एक अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी तो उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगी जिसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ। वो एक्सेलरेशन जो है वो कौन एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगा रही है, ठीक है, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इस बॉडी पर, उस बॉडी को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगी। तो जब वो अट्रैक्ट करेगी बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होगी, उस एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी? जो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, जो अर्थ ग्रेविटी लगा रही है उसकी वजह से, जिसको आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।